नमस्कार, आप सबको हरितालिका तीज की सभी सखियों को तीज की शुभकामनाएं। सभी सखियों ने कजरी तीजरी गणी गणी शुभकामना। आज जब तीज पर बात कर रहे हैं तो जाने क्यों मेरी यादों की पोटली से मेरा बचपन बाहर आ रहा है, जब माँ, चाची और आस पड़ोस की बाकी चाचियों को व्रत करते देखती थी। हम ये व्रत क्यों करते हैं? तीज का त्यौहार। तीज का त्यौहार सुनते ही मन बल्लियों उछलने लगता है, मन में कई तरह के रंगों का आगमन शुरू हो जाता है। तीज का त्यौहार मनाते हैं हमारे सुहाग की रक्षा के लिए, सुहाग की लंबी उम्र के लिए। हम ये व्रत इसलिए करते हैं ताकि हम अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना कर सकें। तीज का त्यौहार आते ही घर में चहल पहल शुरू हो जाती है, रात को सिंझारा होता है, रात को हाथों में मेहंदी रचाई जाती है, रात को करीब 2 बजे उठकर खाने के लिए व्यंजन बनाए जाते हैं जिसे हमारी राजस्थानी भाषा में धमोली कहा जाता है। तीसरे त्यौहार दिन शाम सिंजा पड़िया सभी सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करने नीमरी डाली री पूजा करिया करे और तीज माता री कहानी सुनिया करे। सुबह निर्जला उपवास होता था, थोड़ी थकी हुई सी लगती मम्मी, पर बस सुबह शाम होते होते वापस निखर जाती थी। जब रोज की मम्मी को बिल्कुल अलग रूप में देखते थे हम, एक लाल या पीली साड़ी में, रंग बिरंगी चूड़ियों के साथ और हल्के मेकअप के साथ बहुत प्यारी लगती थी। मुझे लगता था काश शाम में 2 या 4 तीज हो जाए। तीज और उसके बदलते स्वरूप पर एक चर्चा। पुराने जमाने के तीज त्यौहार के बारे में बात करें तो ये सच है कि स्त्री दास्तां की तरह जैसे मजबूरी में उनको व्रत करने के लिए मजबूर भी किया जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। व्रत करने जो लोग अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही हैं उनको किसी ने फोर्स नहीं किया हुआ, किसी ने प्रेशराइज नहीं किया हुआ है, अपनी मर्जी से, अपनी श्रद्धा से अपने पति की लंबी उम्र के लिए वो औरतें व्रत करती हैं। ऐसा नहीं है कि उन पर अपनी भावनाएं किसी ने थोपी हो या किसी ने उनको मजबूर किया हो कि नहीं आप ये व्रत करो। आजकल तो पुरुष भी ये व्रत करते हैं, जैसे पुरुषों को भी ऐसा रहता है कि पत्नियां हमारी लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं तो हमें भी उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत करना चाहिए। कई बार मेरे पति भी कहते हैं कि तू मेरे लिए व्रत रखती है तो मैं तेरे लिए व्रत रखता हूँ, मैं करवा चौथ का आज व्रत करूँगा, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, मैं भी पानी नहीं पीऊँगा, बिना पानी के पूरे दिन। ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्रियाँ ही पुरुषों के लिए व्रत रखती हैं, आजकल ऐसे पुरुष भी हैं जो स्त्रियों के लिए व्रत रखते हैं, इसलिए इसको दास्ता नहीं कह सकते। तीज दास्ता का प्रतीक है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये तो उल्लास का पर्व है। यदि आप हरियाली तीज मनाते हैं तो सावन की शुरुआत होती है, इससे हर तरफ हरियाली होती है, आप भी खुश होते हैं, चूड़ी बिंदी मेहंदी सब लगाते हैं, झूला झूलते हैं, इसमें दास्ता कहां से आई? तीज का स्वरूप बदल रहा है, बाजार तीज पर हावी हो गया है। तीज और करवा चौथ के आने के पहले ही टीवी पर कमर्शियल एड साड़ी और गहनों के डिजाइन पतियों को डराने लगते हैं, क्योंकि अपने प्यार को प्रूव करने के लिए उन्हें अपनी पत्नियों को गिफ्ट के तौर पर खरीदने होते हैं। उसी तरह बागवान मूवी आने के बाद भी एक बदलाव आया है, अब कई पति अपने पति पत्नी के साथ भी उपवास भी रखते हैं। मैंने आज की कई होनहार बहुओं को पिज्जा और बर्गर से भी पारण करते देखा है। खैर, नई सोच नई बदलाव। मैं चाहूंगी कि मैं मेरी बेटी के लिए भी ये व्रत करूं, क्योंकि अब तक सुनने में आया है कि महिलाओं के लिए व्रत क्यों नहीं करती, तो मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए भी ये व्रत जरूर करूंगी, कोई भी एक व्रत जरूर करूंगी जो साल में एक बार आता है। और आप यकीन मानिए, अगर आप अपने बच्चों के लिए या अपने पति के लिए कोई व्रत रखते हैं, चाहे वो तीज का हो या करवा चौथ का हो, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि उस दिन पति की आंखों में आपके लिए प्यार थोड़ा ज्यादा तो दिखता ही है ना? तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं दास्ता आती है। हमारा देश उत्सवों का देश है, हर त्यौहार की तरह तीज भी बदले कलेवर और अधिक भव्यता से आज भी मनाई जाती है
और मनाई जाती रहेगी। आप सबको हरितालिका तीज की रीता गुप्ता की बहुत बधाई।